you are wearing? A necklace. Necklace, how you made it? We made this. We took this. And there's a black one inside. And we took the black and we who colored it? No, it's paint. Liberty. Who painted it? Liberty. And who made this necklace? Me. You? Then you showed to whom? To give. You gave to whom? I gave to Miss Principal. Principal? And then Razor broke this one. Then Principal, Razor was holding one more this one because this is for Principal also. Okay, so Principal gave you what? Lollipop. ये पास्ता से बना है डुगू? You made it from pasta? हाँ? Can you share your necklace with me? No. Why? If you want my necklace, give me your necklace. You had a pasta my necklace. I have a gold necklace. This is your necklace. Wow! Thank you, my necklace. It's so pretty. Then give me that necklace. It's so pretty. Give me that necklace first. I'll not give. See, my baby gave me. You are not giving me. How about you have three necklaces then? No, I don't want baby. You take, put it. Ne. Wow. Jingle la la dance. Honey, can you do jingle la dance? Okay, first you do jingle la dance. Jingle la. Because you are wearing that necklace, so jingle la dance. Hey, ere jor nacho se pasta gol puro. Jingle la, put it. Jingle la, Hakuna Makata. Jingle la, Hakuna Makata. Who are you? ये ऐसे भेस बदलता है ना स्कूल से आने के बाद. ये देखो, अभी देखो. You are police now. Police wearing necklace. Pasta necklace. अभी देखो. क्या करूँ मैं इन दोनों का, ये रूप धारण कर लेते. अभी पुलिस बना था, अभी Who are you now? Police. Honey, who are you? I'm Jetman still. Jetman? And I'm policeman also still. देखो, मतलब ये उनका एक खेल है. कुछ ना कुछ रूप धारण करते हैं, उसी उसमें खेलते रहेंगे एक घंटा, फिर उसके बाद फिर रूप चेंज हो जाएगा. अभी होली की पिचकारी निकल. Hey, both of you, sleeping time now. No, chalo, sleeping time. No, look at your phone. You want to watch, sir? No, I don't want to watch. You chalo, sleeping time. Honkura. 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 Dekhi Luina. Kaun dekhi bhi? Luina. Kaun dekhi bhi? Dekho lu. Dekho Luina. Kaun dekhi bhi? Dekho nu. କିଛି ଜାଣିନି, ଖାଲି ଯୋଉ ଶିଖି ଯାଇଛି ଦେଖିବୁ ଏଇନା. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो अभी दोपहर का टाइम है, हनी बनी अभी सो रहे हैं एंड इसी टाइम पे मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ. तो इंडिया जाते टाइम मैंने ज्वेलरी वगैरह थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया था. ससुराल जा रही थी तो कुछ ज़्यादा पहनना होता है वहाँ पर. तो उस टाइम पर मैंने और कुछ रखा नहीं था, सब वहीं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़े थे. एंड हमारे घर में कोई आता जाता तो है नहीं, बस शिवा आता है. एंड शिवा के ऊपर हमें इतना ट्रस्ट है कि हम उसको घर की चाबी दे के जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वो भी इतना लॉयल है ना, छोटी सी छोटी चीज़ ना बिना पूछे वो फेंकेगा नहीं. जब मैं इंडिया जा रही थी ना तो मैंने इयरिंग चेंज किया था अपना, तो वो किसी इयरिंग का एक सोने का पेच था वो कहीं गिर गया था, मुझे पता भी नहीं था. जब हम वापस आए उसने संभाल के रखा था उसको, उसने हमें वापस दिया. इतना ज़्यादा लॉयल है. तो बस वही सब मैं रख रही थी, जो थोड़ा बहुत कुछ चेंज करूँगी यहाँ के हिसाब से. एंड सावित्री व्रत भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ पहनना होता है. तो लास्ट ईयर जब मैं गई थी इंडिया ना, मतलब लास्ट 1.5 साल पहले, तो उस टाइम पे कुछ मैं लेके आई थी अपना गोल्ड इंडिया से, तो वो सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था. बाकी सब तो हमारा दिल्ली में एक लॉकर है तो वहाँ पर हम लोग रखते हैं. एंड जैसे थोड़ा थोड़ा कुछ मैं यहाँ पे ले आती हूँ क्योंकि वहाँ पे याद भी नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं है. यहाँ कम से कम आंखों के सामने रहेगा तो कभी कभी पहन भी पाओगे एंड एक्सचेंज भी कर पाओगे. एक्सचेंज करके कुछ नया डिज़ाइन भी ले सकते हो. जैसे हम लोग अभी 1.5 साल के बाद इंडिया ट्रैवल किए बट दिल्ली ट्रैवल नहीं किए, तो फिर जाना ही नहीं हुआ बैंक. तो फिर कभी ट्रैवल करेंगे, फिर जाके देखेंगे कुछ है क्या नहीं है, कुछ रखेंगे कुछ लेके आएंगे. इसी टाइप का ही होता है. एंड यहाँ पे
लाइफ मतलब इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है कि आधी रात को आप बिल्कुल गोल से लदे हुए अकेले भी बाहर जाओ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं इस टाइप के वीडियो जो यहाँ पे मैं शेयर कर पाती हूँ बिना डर के। तो अभी मैं वही सब सामान जो है वो सब रख रही थी, थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब सेट करके रख रही थी। तो हनी बनी के जो गोल्ड है जो उनको गिफ्ट मिला था उनके बर्थडे मतलब जब वो पैदा हुए थे, जो हमारा एक रिचुअल होता है 21 डेज पे, उस दिन उनको जो भी गिफ्ट मिला था वो सब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रखे, यहाँ पे मतलब उनके तो सारे गोल्ड यहाँ पे रखे। तो वही सब जो है मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ, एंड इसीलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं शेयर कर पा रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या गिफ्ट मिला था उनको उनके मतलब पैदा होने पे। तो ये है हनी बनी के कुछ आद गोल्ड ज्वेलरीज, इसमें से थोड़े बहुत रिंग्स जो है वो इधर उधर हुए हैं, बाकी जो मेरे पास है वही मैं दिखा रही हूँ। पहले तो ये दो चेन देखिए, ये मेरे पापा मम्मी एंड मेरा भाई आया था जब हनी बनी पैदा होने वाले थे, तो उन्होंने ये चेन गिफ्ट किया था, ये पेंडेंट नहीं ये चेन बस उन्होंने गिफ्ट किया था। बाकी ये दो चेन जो है ये जीत के बड़े भाई एंड भाभी मतलब मेरे जेठ जेठानी ने हनी बनी को जब पहली बार देखा था ना जब वो इंडिया आए थे एंड हम लोग गए थे इंडिया मेरे सिस्टर इन लॉ के शादी में, तो उन्होंने पहली बार हनी बनी को देखा था। तो ये दो चेन, ये बजरंग बली के दो पेंडेंट एंड ये दो पेंडेंट, तो वो मेरे जेठ जेठानी ने ये मतलब चेन और ये चार पेंडेंट जो है उन्होंने दिए थे। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा जीत पहले इसी डिज़ाइन का चेन पहनते थे एंड बजरंग बली का पेंडेंट वो अभी भी पहनते हैं, तो हनी बनी एंड जीत जो है वो हमेशा सेम पहना करते थे, सेम चेन पेंडेंट एंड ये कड़ा आज भी जीत सेम डिज़ाइन का पहनते हैं। तो हनी बनी के लिए भी हमने सेम डिज़ाइन का कड़ा लिया था जब वो 6 मंथ के हुए थे, इंडिया जाने वाले थे हम लोग उसी टाइम पर लिया था। एंड ये कड़ा उन्होंने फिर 6 मंथ से लेके 2 साल तक तीनों ने सेम चीज़ पहन के रखी थी, चेन पेंडेंट और कड़ा। फिर जब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो हमने सारा गोल्ड जो है मतलब उसके बाद उन्होंने कभी गोल्ड नहीं पहना है। एंड ये दो चेन जो है ये हमारे जो फ्रेंड ऊपर मतलब सेम बिल्डिंग में रहते ना दीप्ति संगीता, तो उन्होंने दिया था। तो ये हो गया, ये जो दो कड़े हैं ये हनी बनी के दादा दादी लजीत के पापा मम्मी ने उनको गिफ्ट किया था जब हनी बनी पैदा हुए थे। तो ये दो कड़ा उन्होंने हनी बनी ने 6 महीने तक पहन के रखा था, फिर उसके बाद उनको टाइट हो गया था, उसके बाद हमने ये कड़ा लिया था उनके लिए। एंड ये चार नजरिया भी हमने जीत हनी बनी के लिए लिया था जब वो पैदा हुए थे, मतलब नॉर्मल ऐसे जो सिल्वर का पहनते ना तो हमने गोल्ड का लिया था, तो ये दो पैरों में वो हमेशा पहन के रखते थे, पूरा 1 साल तक उन्होंने पहन के रखा है, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हमेशा पहन के रखी है, ये मतलब हमारे दिल के बहुत करीब है, ये स्पेशली ये नज़रिया ये उन्होंने पूरा day 1 से पहन के रखा था 1 साल तक, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये नज़रिया। तो एंड बाकी जो गिफ्ट मिला है ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने जब वो पैदा हुए थे तब दिया था 2 ब्रेसलेट हनी बनी को, साथ में ये पेंडेंट भी उन्होंने ही दिया था और एक सेम इसी टाइप का है, तो पेंडेंट दिया था उन्होंने। ये मेरी एक फ्रेंड है मासूमा, उन्होंने 2 रिंग दिया था। ये संग्राम माया ने दिया था AV अव्यान विहान पेंडेंट। देन ये रिंग है, ये रिंग जब हनी बनी पहली बार इंडिया गए थे ना तो मेरे मामा के घर से उनको ये रिंग मिला था, ये 2 रिंग एंड इसी टाइप के और 2-3 रिंग्स थे, पता नहीं थोड़ा इधर उधर हो गया है। एंड ये पेंडेंट तो लास्ट ईयर बर्थडे में जीत के कलीग ने उनको गिफ्ट दिया था। तो बस यही है हनी बनी के कुछ गोल्ड ज्वेलरीज, एंड स्पेशली ये सारी चीज़ें ना जो उन्होंने बचपन से पहना है वो हमारे दिल के बहुत करीब है, वो चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए इसको मैं कभी भी एक्सचेंज नहीं कराऊंगी, हमेशा मैंने सोचा था कि इसको एक्सचेंज करा के अच्छा कड़ा लेते, बट जीतने बोला नहीं इसको हम लोग कभी भी एक्सचेंज नहीं कराएंगे, ये हो गया, ये चेन हो गया। एंड ये तो उन्होंने कभी भी नहीं पहना, ये रुद्राक्ष वाला पेंडेंट ये कभी भी नहीं पहना है, बट स्टिल उनके मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी ने दिया है, ये सब कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा, ये भी जितना सामान है। तो बस यही है कुछ बच्चों के गोल्ड ज्वेलरी जो उनको गिफ्ट मिले थे जब वो पैदा हुए थे। उठ गए हैं दोनों, एक उस सोफे में एक इधर है। तो जब हम लोग इंडिया में थे ना, मैं हमारी फैमिली की बात बता रही हूँ, मैं दूसरा किसी को नहीं बता रही, हमारे फैमिली में क्या है ना मतलब जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना वही ही गोल्ड गिफ्ट करते हैं, बट जब हम लोग दुबई आए ना तो यहाँ पे हमने देखा जो क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं ना तो वो भी गोल्ड ही गिफ्ट करते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे जब भी आप बहुत क्लोज रिलेशन में हो एंड कोई नया मेहमान मतलब न्यू बॉर्न बेबी हुआ या आपका कोई स्पेशल ओकेजन हुआ तो ऑब्वियसली आप कुछ अच्छा ढंग का कुछ अच्छे कपड़े लोगे, ब्रांडेड कपड़े लोगे या कुछ अच्छा टॉय लोगे,
तो उसी पैसे में ना थोड़ा बहुत और पैसे अगर आप ऐड कर देते हो ना तो गोल्ड आ जाता है। ऑब्वियसली अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो गोल्ड का प्राइस 2-3 हज़ार यहाँ पे कम रहता है एंड क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहता है। तो मोस्टली यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि जितने पैसे में वो कपड़े जूते खिलौने देंगे उतने पैसे में थोड़ा सा और ऐड कर दें या उतने पैसे में गोल्ड आ जाता है। एंड गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट भी होता है ना, क्योंकि कपड़े तो फिर छोटे हो जाएंगे फेंका जाएगा या टॉयज भी टूट जाएंगे फेंका जाएगा, तो मोस्टली लोग यही यहाँ पे करते हैं। तो हम जब नया नया आए तो हमने भी वही कल्चर देखा, तो हनी बनी को भी बर्थडे में इतना सारा ऐसे गोल्ड हमारे फ्रेंड्स लोगों ने दिया था। तो हम भी, आप लोग देखा होगा कि हम भी किसी के बर्थडे में जाते हैं, क्लोज वन के बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो हम भी इसी टाइप का ही करते हैं। तो जहाँ पे आप रहते हो उसी माहौल में फिर आप ढल जाते हो है ना, तो बस यही है। चलिए मेरे महाराज दोनों उठ गए हैं तो अभी उनको ऑरेंज जूस बना के दूंगी, देन कुछ ना कुछ वो स्नैक्स खाएंगे, उठते के साथ ही उनका डिमांड है ऑरेंज जूस बना के दूंगी, फिर कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, फिर देखते हैं। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. First you finish 11? I finished. Very good. Now 12. No, sorry, T-T-T. T-12 spelling is? Sorry, ma'am. Okay, Banu, tell 12 spelling. T P W E L L yeah yeah or R T no L V yes very good 3 1 2 3 4 5 very good 2 3 4 5 very good red on here is 5 yes red on here yeah 3, 4, 9, 5, 6. Very good. Here we have to write. Good evening, guys. So, Honey Bunny को पढ़ा लिया है, अभी मैं डिनर बनाने के लिए आ गई थी। तो डिनर में आज ऐसे कुछ बन नहीं रहा है। कल जो दाल बनाया था ना वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो जीत को काफी पसंद आया था। तो जीत ने बोला था कि एग बॉईल करके उसमें ऐड कर देना, तो बस मैंने एग थोड़ा सा फ्राई किया है पाउडर मसाले एंड टमाटर ऐड करके एंड जो दाल है उसमें ऐड कर दिया है, तो बस ये बन जाएगा। साथ में चावल रखे हुए हैं, आटा गूंद लिया है रोटी के लिए, तो जो भी मन करेगा वही खा लेंगे। एंड उसके बाद मुझे आज थोड़ा मार्केट जाना था, मीना बाजार, सावित्री व्रत आ रहा है, तो भाई भाभी ने जो ड्रेस दिया था वो तो मैं पूजा करूंगी, पूजा के बाद उसको मैं पहनूंगी। बट पूजा के टाइम पे मैं सोच रही थी कि साड़ी जो चाचा चाची ने मुझे दिया था ना शादी में, तो वो मैं बना के पहनूं, बट उसका फिर फॉल पिको ब्लाउज होना बाकी है, अगर कोई जल्दी देगा तो ही बनाऊंगी वरना कोई दूसरा पहन लूंगी। तो जीत आज गए हैं संग्राम के साथ, संग्राम का अभी तक गाड़ी नहीं आया है। एक्चुअली जब उसने लोन के लिए अप्लाई किया ना उस टाइम पे ईद हॉलीडेज आ गए, तो 9 दिन की छुट्टी हो गई गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर UAE प्रेसिडेंट उनका डेथ हो गया, तो फिर 4 दिन की छुट्टी हो गई, तो इसीलिए उसका जो लोन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो गया। बट अभी फाइनली सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड लोन अप्रूव सब हो गया है, आज गए हैं संग्राम और जीत फाइनल इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी का, कल होपफुली उसको डिलीवरी मिल जाएगा। बेचारे को बहुत प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली वो ट्रैवल करके जाता है शारजा अपने रेस्टोरेंट, तो मेट्रो बस टैक्सी पैदल मतलब ये करके 2 घंटे उसको लगते हैं जाना, 2 घंटे आना, मतलब 4 घंटे वो ट्रैवल करता है। बट जब हम लोग इंडिया गए थे ना तो हमारी गाड़ी से वो ऑफिस जाता था अपना, मतलब रेस्टोरेंट जाता था, तो उसको 35 मिनट्स में वो पहुंच जाता था, तो इसीलिए उसको अभी ज़्यादा फील हो रहा है कि वो मतलब 12-13 दिन ऐसे गाड़ी में गए ना फिर से वापस से 2 घंटा ट्रैवल करके जाओ आना, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए गाड़ी उसको बहुत ज़रूरी था। होपफुली कल डिलीवरी मिल जाएगा उसको एंड देखते हैं अगर हम लोग जाएंगे तो, मोस्टली हम लोग जाएंगे डिलीवरी के लिए तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो बस ये डिनर बन गया है एंड यहाँ पे हनुमा बन गया, ये पता नहीं रूप तो पता नहीं ऐसे धारण करते थे गोवा बीच में घूम रहे थे। देखो ओ हनी बनी टंपलिंग टंपलिंग कौन, हेलो टंपलिंग टंपलिंग नो 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 सॉन्ग, हेलो हनी बनी सॉन्ग लगा वो डांस करेंगे। डांस कब है, हिंदी ओडिया इंग्लिश सब मिक्स। चलिए गाइस फिर मैं ये बना लेती हूँ, जीत को फोन करती हूँ, अगर वो आएंगे तो जल्दी तो ठीक है, वरना वही देख के कोई दूसरी साड़ी जो कॉटन ब्लाउज सब लेके आई थी ना उसी में से कुछ देख के कुछ पहन लूंगी।
एंड वो जो दूसरी साइड है वो रोजो भी आ रहा है, तो रोजो में पहन सकती हूँ मैं। तो चलिए ये बन जाएगा, रोटी बना लूंगी, हमारा डिनर रेडी है। एंड खाने में हमारा ऐसे ज्यादा आइटम कुछ बनता नहीं, एक ही आइटम। जीत को मुझे दोनों को वैरायटी खाना पसंद नहीं है। कभी कभी फेस्टिवल्स त्योहार वगैरह में ऐसे थाली टाइप का मैं बना लेती हूँ, बट दोनों को ही एक ही टाइप को, मतलब जैसे राइस के साथ में कोई सब्जी हो गया, कोई भाजी हो गया, रोटी के साथ में यही खाना पसंद है। इसलिए हमारा जो साइड डिश है, मतलब जो जो भी सब्जी है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि हम सभी सब्जी ज्यादा खाते हैं, तो इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो बस ये हो गया है रेडी, एंड फिर मैं जीत आते हैं तो आपसे मिलवाती हूँ। तो गाइस मिलिए इनसे। बहुत जागती है भाई, बहुत जागती है ये। आजकल थोड़ा ज्यादा मसाले टॉक्स में घुस रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, क्या खा रहा है कौन, वही सब। एक शादी हम अटेंड करके आए, एक शादी और मिस हो गया यार, वो छोड़ो वो सब। लेकिन जागती बहुत ज्यादा हो रही है मेरे साथ में। बोला कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप से ब्लॉग एंड करो, चुपचाप से खाना खाओ। मैं कहा सर चुपचाप से ब्लॉग एंड करो, तो मैं ऐसे ऐसे बैठा रहा हूँ। सो गाइस कैसे हैं आप? जो बेचारे बनते हो ना, सबको पता है आप कितने बेचारे हो। मैं तो बेचारा हूँ, मेरी बीवी भी बेचारी है। क्या हुआ संग्राम का सब फाइनल ऑल डन? सो संग्राम का बोला 99.99% कल मिल जाएगा, वो 0.1% मेरे को ऐसा फेम है। ये 99.99% क्या डेटॉल के सोप से हाथ धो रहे क्या? 99.99% मैं कहा भाई 0.01% ने तो गाड़ी में बैठ के फोटो के भेज दिया है और क्या फिर परसेंट। हाँ संग्राम का सारा सेट हो गया, सो होपफुली टुमारो द डिलीवरी वुड बी देयर राइट। ये डिलीवरी है, कार डिलीवरी इज ऑल्सो लाइक यू नो बच्चे डिलीवरी की तरह। अरे भाई संग्राम इंतजार कर रहा है इतने जमाने से, संग्राम अपने आप से संग्राम कर रहा है। हिज फर्स्ट लव, नहीं नहीं फर्स्ट लव तो ऑब्वियसली माया है। रियल लव, हाँ रियल वाला लव, ये फर्स्ट प्लस 1.5 लव है। चलिए गाइस कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, वीकेंड वाले एपिसोड में। तब तक लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। व्हाट इज दिस ब्रश कर लूं? यू डिड ब्रश, यू डूइंग बदमाशी यू नो। ए यस डेली आके ब्रश करता है फिर मुझे स्मेल करा, देखो कितनी ताजगी भरी आ रही है ना। ये फिल्मों में होता है ऐसे अचानक हवा चलेगी और मेरे बाल उड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। नो मोर स्वीट, नो उसको वो खाना था। सैजूर ने लड्डू भेजा है ना, जो वो बोल रहा था तब तो लड्डू खा रहा। हाँ तो लड्डू खाएगा तो फिर से ब्रश करेगा। चलो ठीक है, लेट्स डू दैट। चलिए गाइस मिलते हैं, आप घूम के आइए, कल का एपिसोड बिल्कुल मत मिस करना। मुझे नहीं मालूम कल हम क्या चमत्कार करने वाले हैं, नहीं करना आज भी क्या हुआ है उनको कुछ नहीं मालूम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।